आपका स्वागत है वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए आज का विषय जो है वो कीट और किलियों से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ कि कुछ बीमारी तो मच्छर और डांस के काटने से होती है, जैसे एपिमिरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है और वो मच्छर के काटने से होता है, जिसमें एकदम से पूरे हड्ड के पशु बैठ जाते हैं और फिर एक दो दिन बाद ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई खास नहीं, अगर आप पैरासीटामोल वगैरह दे देंगे तो ये ठीक हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये कभी कभी हो जाता है पशुओं में मच्छरों के काटने से, तो एपिमिरल फीवर हो गया। दूसरा होता है डांस, जो एक बड़ी मक्खी होती है उसके काटने से ट्रिप्नोसोमाइसिस होती है। ट्रिप्नोसोमा जो है वो ब्लड में से ग्लूकोज को खींचना शुरू कर देता है, फिर बाद में वो ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन में से भी मतलब वो फिर ग्लूकोज को खींचता है। तो उस अवस्था में वो पशु जो है गोल गोल घूमने लगता है। इसको चक्री की बीमारी भी कहते हैं। ये जहाँ धान लगता है ये बरसात में मतलब धान की कटाई के वक्त, और वैसे उसमें मतलब काफी हो जाता है। डांस तो डांस 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 से बचा के रखिए, मच्छर से बचा के रहिए। इसके लिए पोरॉन वगैरह ले लीजिए, पोरॉन वगैरह लगाइए। अगर ट्रिप्नोसोमाइसिस हो जाती है तो आप उसे बेरेनिल लगा दीजिए। वैसे सरालीन वगैरह भी आती है, पर बेरेनिल जो है वो घोड़े में और उसमें सरा में घोड़े में ऊंट में नहीं लगाई जाती है, पर काऊ में तो लगाई जाती है। इसकी डोज जो है वो 10 ml/100 kg अगर आप इस हिसाब से लगाएंगे इसमें, पर इसको ज़्यादा 50 ml से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, 50 ml कम ही लगाना चाहिए। और मैं तो ऐसा करता हूँ कि पहले आधी डोज लगा दी, फिर 2-3 घंटे बाद, फिर 3-4 घंटे बाद फिर आधी डोज लगा दी। तो इसमें एंटीबायोटिक देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब कभी कभी बुखार भी होगा एनिमल को, एनिमल घूमने लगता है और उसकी आइज भी लाल हो जाती है। तो ये तो मच्छर से काटने वाली और डांस से काटने वाली बीमारी हो गई। अब जो होता है वो टिक से काटने, जिन्हें टिक बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं, टिक बॉर्न डिजीज कहते हैं। इसमें एक तो एनाप्लाज्मोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है बैक्टीरियल डिजीज है। ये जो है आरबीसी में घुस जाते हैं, ये बैक्टीरिया आरबीसी में घुस जाता है और फिर मतलब एनीमिया करता है, बुखार आता है और पशु धीरे धीरे दुबला होता है। एकदम से तो नहीं मरता है पर मर जाता है। इसमें इमिडोकार बहुत कारगर है। पहले वैसे लोग टेरामाइसिन का भी प्रयोग करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग टेरामाइसिन 20 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे तो उससे भी क्योर हो सकता है। पर ज्यादातर इमिडोकार सबसे बढ़िया है। इसके लिए इमिडोकार अपने पास रखिए और जो नए जानवर आ रहे हैं उनमें आप ये लगा दीजिए इमिडोकार, ठीक है। आप जो है ट्रिप्नोसोमाइसिस का भी इंजेक्शन लगा सकते हैं पहले से, जिससे कि ट्रिप्नोसोमा अगर उसमें हो तो वो खत्म हो जाएगा। बैरनल आप लगा दीजिए, जैसे आप नए जानवर तो उसमें बैरियर लगा दीजिए। तो उसके बाद जो होता है वो रेड वाटर डिजीज होती है। रेड वाटर डिजीज क्या होती है? रेड वाटर डिजीज मतलब कोका कलर का पेशाब कलर रखता है ना, इसमें टेम्परेचर होगा, डायरिया हो जाता है, अबॉर्शन हुआ है। ये ओल्ड एनिमल में ज्यादा होता है और विलायती जानवरों में ये देखा गया है, पर विलायती देसी सब में होता है। पर ये बफेलो में होता है, इसमें रेड वो यूरिन नहीं आता है बफेलो में, ये खाली बच्चों में कभी कभी छोटे बच्चों में देखा गया है, पर मैंने ज्यादा नहीं देखा, एक आधी बार बच्चों में ये रेयरली आता है। इससे एनिमल इम्यून रहते हैं। तो ये मैंने बता दिया, इसमें पैरानिल दे दीजिए और फिर हीमोलाइसिस की वजह से वो अगर जानवर मिट्टी खा रहा है तो आप उसे हीम दे दीजिए, शार्कोफेरॉल भी दे सकते हैं, पेरिटास भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो मैंने आपको मतलब 4 बीमारी बता दी। एक तो मैंने एपिमिरल फीवर बताया जो मच्छरों से होता है, दूसरा जो है मैंने आपको डांस से होने वाला ट्रिप्नोसोमाइसिस बताया, और टिक बॉर्न इन्फेक्शन जो है वो होता है। इससे टिक से आप फ्री रखिए, जो इसमें टिक ट्रांस ओवेरियन भी वो होता है, इन्फेक्शन पास हो जाता है तो जो उसके टिक के बच्चे पैदा होंगे उसमें भी ये होगा। ये सब बीमारी जो है 40 डिग्री से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है ये काफी फ्लेयर अप हो जाती है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा इन सब जगह बहुत होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, पहाड़ों में थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे ठंडा रहता है। इसके बाद जो है ये इसमें एक बात है कि भैंस में भैंस लाल पेशाब नहीं करती है, इसको माइक्रोस्कोप के लिए आप पहचान सकते हैं। माइक्रोस्कोप में इसका जो फिगर है वो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ट्रिप्नोसोमाइसिस का भी दिखाया जा रहा है और इसका भी दिखाया जाता है, तो आप देख लीजिए। तो ये बड़ी घातक बीमारी है और ये
हर सीजन में होती है, इसका ऐसा नहीं है गर्मी में ही होगी। पर टिक से आप फ्री रहेंगे तो भाई यह बीमारी नहीं होती। और ओल्ड एनिमल्स में प्रोफाइलेक्टिव डोज देते रहिए। कभी कभी मतलब ये जो है वो फूड एंड माउथ के संग भी हो जाता है, तो उसमें फूड एंड माउथ जब हो तो इसकी टेस्टिंग करा ली। अब तीसरी जो है वो सबसे भयंकर बीमारी है, वो होता है आपका फलेरिया। फलेरिया मलेरिया की तरह ये आर्मी में घुस जाता है और ये उसमें लिम्फ ग्लैंड में बैठा रहता है और लिम्फ ग्लैंड से ये आरबीसी में आ जाता है और जब 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर होता है तब ये आरबीसी को तोड़ता है। इसमें सडनली पशु मर जाता है, इसमें पशु मिट्टी खाने लगता है, उसमें लिम्फ ग्लैंड सूज जाती है और उसको बहुत हाई टेम्परेचर होता है 103-104 और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फौरन पशु मर जाता है। ओल्ड पशुओं में ये कम होता है, एग्रोटिक पशु में तो ये सब बीमारी होती है। तो इसका वैक्सीनेशन भी है और इसमें ब्रूपारवोकोलन का इंजेक्शन देने से ये ठीक हो जाता है। जुम्मेओन आता है, इसकी डोज जो है 20 केजी पे 1 ml है, 20 केजी पे 1 ml लगता है, तो 5 ml 100 केजी पे, तो इसी हिसाब से आप इसको लगा दीजिए, गर्दन पे लगाइए और एक बार लगाने के बाद फिर दोबारा इसको जो है 48 घंटे बाद फिर लगाते हैं, ठीक है। और इसमें भी आयरन की कमी हो जाती है, वो आयरन के लिए हीमअप और वो सब दीजिए, मतलब हीमअप भी दीजिए, हीमअप नहीं मिलता है फेरिटास दे दीजिए, फेरिटास नहीं मिलता है तो आप जो है चारकोफ्रोल आता है वो दे दीजिए, तो कुछ ना कुछ आयरन सप्लीमेंट। मैं तो ये करता हूँ कि मिनरल मिक्सचर की मात्रा जरा डबल कर देता हूँ, तो मिनरल मिक्सचर की मात्रा डबल करने से भी लाभ होता है इसमें। वैसे इसकी वैक्सीन भी है, वैक्सीन का मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिए वो करीब। और ये पहले बफेलो में नहीं होता था पर अब ये बफेलो में भी होता है, तो आप बेरेनिल और क्या कहते हैं वो इमिडोकार्ब इनको यूज करिए और इसको जो है ये रोमियोन का इस्तेमाल करो। प्रूपारवोकोलन है, ब्रूटालॉक्स के नाम से बहुत नाम से बेसिक कंपाउंड प्रूपारवोकोलन, तो इसके इनके इनके इन वैक्सीनेशन के बगैर जो है आप वो जो है वो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप अपने पशुओं को वायरल डिजीज है और लंपी तो उससे भी बचा के रखिए, लंपी और फूड एंड माउथ, उसका मैंने वैक्सीनेशन दे रखा है। आप दोनों का वैक्सीनेशन एक बार मतलब साल में दो बार कर सकते हैं, दोनों को आप एक ही दिन में लगा सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, और लंपी और उसको भी देख लीजिए। तो ये 4-5 है, पर इससे पहले आपका पशु जो है किसी भी वैक्सीनेशन से पहले स्वस्थ होना चाहिए। और जो आपके न्यू अराइवल है उनको जो आप नए जानवर ला रहे हैं उनको आजकल तो माइक्रोस्कोप से टेस्ट हो जाता है थलेरिया भी, और थलेरिया की फिगर भी यहाँ नीचे दिखाई जा रही है। तो अगर वो थलेरिया पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसे डोज दे दीजिए थलेरिया के ब्रूपारवोकोलन है, तो इसकी डोज जो है एक बार देते हैं फिर उसके बाद 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद फिर दूसरी डोज दे देते हैं। तो इसका इन सभी उसका इलाज यही है कि आप मच्छर से और उससे डांस से बच के रहिए और टिक से भी बच के रहिए। तो ये मैंने आपको आर्थ्रोपोड बॉर्न और टिक बॉर्न डिजीज के बारे में बताया, इसके बिना जो है आप डेयरी नहीं चला सकते, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग डेयरी कंस्ट्रक्शन डेयरी इक्विपमेंट और ये भी बहुत कहते हैं कि हम आपको डेयरी चला रहे बताएंगे, पर डेयरी तो जब ही चलेगी जब वो टिक फ्री रहेगी, अन्यथा वैसे ही दूध की कीमत नहीं मिल रही है और एक दो पशु मर गया तो और दिक्कत हो जाती है। धन्यवाद, आपने सुना। मैं यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास एम्ब्रियो भी है, मैं डालते रहता हूँ। आप एम्ब्रियो डालना सीखना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो में नंबर दे रखा है, पाल जी है उनको संपर्क कर लीजिए या आप 7979848332 पर राजा जी को संपर्क करिए। और मेरा नंबर जो है 8979748686 है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मैंने फार्म भी देखा, मैं गांव में भी रहा, मैं पढ़ाता भी रहा वेटरनरी डॉक्टरों को और मैं विदेश में भी रहा। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो PhD वगैरह वो एम्ब्रियो ट्रांसफर में ही है, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में करता भी रहता हूँ। ये नई टेक्निक है, इस बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो अवश्य पूछे। धन्यवाद, थैंक यू।